मैंने कहा था पुल गिरेगा 12 महीना यानी एक साल के अंदर पुल गिरेगा, मैंने कहा था और 11 महीना में पुल गिर गया। अब ये जो बिहार के भाग्य विधाता है वो तय करे कि हमें कितना झुकाना है और कितना संभालना है। भैया पब्लिक एक बार तालियां बजा दीजिए सभी लोग गणेश भैया के लिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और अभी मेरे गुरु जो है बिपिन शाह यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे लोगों के वजह से जो है आज हम जैसे युवा जो है इस मुकाम पे हैं। तो सबसे पहले बिपिन सर के चरणों में मनीष कश्यप का प्रणाम। और शायद आप लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप बहुत अच्छा बोलता है, तो नहीं, मैं बिपिन सर को सुन के बड़ा हुआ हूँ। जब गोल में पढ़ाई करता था तो बिपिन सर मोटिवेशनल बातें हम लोगों से करते थे कि कैसे एक स्टूडेंट जिसको बाहर के आवाज से प्रॉब्लम था तो उसने अपने बेड के नीचे एक पंखा लगा दिया और वो पंखे के आवाज से पढ़ाई करना शुरू किया। ये सारी चीजें हम लोगों को बिपिन सर ने बताया और बिपिन सर से हम लोग सीखे। हालांकि और भी गुरु लोगों ने जो है मुझे बहुत सारी चीजें बताई और तब जाके जो है मैं यहाँ पे आया। विद्या मंदिर का छात्र हूँ तो वहां पे मुझे सिखाया गया है कि अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देना, और वहीं से सीख के उसके बाद से गोल में आया, गोल में पढ़ाई किया, फिर पूना गया। बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट हुआ, बहुत सारे सब्जेक्टों में मैं फेल भी हो जाता था, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिकली नॉलेज था तो एक अच्छा इंजीनियर बन गया कंप्लीट होने के बाद। और सबसे पहले कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट हुआ, पहला स्टूडेंट जिसको M1 M2 M3 ने ना जाने कितनी बार सताया और कितनी बार M1 में फेल हुआ, M2 में फेल हुआ, M3 में फेल हुआ, लेकिन जब प्लेसमेंट की बारी आई तो मैं राजसोनी कॉलेज के सिविल ब्रांच का पहला स्टूडेंट था जिसका सबसे पहले प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था। मेरे एक शिक्षक ने कहा था कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा तो मैंने बोला कि सबसे पहले होगा और मेरा होगा। जब आप खुद से कमिटमेंट करते हैं ना, तो वो शाहरुख खान के फिल्म का सुना है ना कि सारी कायनात आपको मिलाने की सिफत से कोशिश करती है। वो विलियम शेक्सपियर जो है उनका इंग्लिश का हिंदी वर्जन उन्होंने बताया, इंग्लिश में था इफ यू वॉन्ट एनीथिंग विथ योर विलिंग हार्ट देन एवरीथिंग सपोर्ट यू। अगर हम लोग शिद्दत से चाहेंगे ना कि बिहार को बदलते, हम लोग शिद्दत से सब लोग चाहेंगे ना तो हम सच में बिहार को बदल सकते हैं सब लोग। तो चलिए एक प्रयास किया जाए ना, इस बार तेरा बात होगा ना इस बार मेरा बात होगा, इस बार जो है हमारा बात होगा और हमारे बिहार का बात होगा। यह चीजें हैं, मैंने कहा था पुल गिरेगा 12 महीना यानी एक साल के अंदर पुल गिरेगा, मैंने कहा था और 11 महीना में पुल गिर गया। उसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ कहा था और वो चीजें हुआ और हो रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ना मैंने पुल जेसीबी से गिराया और ना जो गिर रहा है अभी उसको मैंने गिराया। जब भगवान आपका साथ देते हैं ना तो आपके सारे रास्ते खुलते जाते हैं और आप वहाँ अच्छा काम करते जाते हैं। एक सौ दिन कहीं नहीं तो कहीं जो है इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, 21 लड़कियों का शादी हो रहा है। पिछली बार भी मैं आया था तो बहुत सारा भीड़ था, तो इनके लिए भगवान ने कुछ रास्ता खोला वरुण भैया के लिए। वरुण भैया अपने टीम के साथ काम करते हैं तो आप लोग यहाँ पे आते हैं, भीड़ आता है, लड़कियों की शादी होती है, एक सफल आयोजन होता है। हमें इसे सीखने की जरूरत है, हमें अपने आप से सीखने की जरूरत है। और जिस दिन हम सभी ने प्रयास किया था उस दिन हमारा बिहार बदल जाएगा, फिर हमें ट्रेनों में बोरियों की तरह भर भर के बाहर कमाने नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए नया बिहार बनाया जाए जहां पे कोई भी बेटी जो है ना दहेज के बोझ के तले दब के न मरे, जहां पे कोई भी बाप जो है ना दहेज के तले दब के न मरे,
इसका प्रयास हम सभी को करना होगा। और नॉन पॉलिटिकल मंच है तो मैं पॉलिटिकल बातें कुछ नहीं करूंगा, बस इतना ही विनती आप लोगों से करूंगा कि जहां भी हैं आप लोग, चाहे जिस भी जाति के हो, बस हम सभी एक बार ये बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए जो है बिहारी बन जाए, हमारा बिहार भी जो है ना इस देश का टॉप 5 राज्यों में से एक हो जाए, बस ये सोचना है। बाकी समय कम है, फिर कभी मिलेंगे और किसी मंच से जो है फिर बातें होगी, फिर वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिएगा। और बस मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, हम तो अदब से झुकना जानते हैं साहब, अब बड़े लोग तय करें कि उनके अंदर बड़ापन कितना है, सही है कि नहीं है। हम बिहारी हैं, हम झुकना जानते हैं, अब ये जो बिहार के भाग्य विधाता है वो तय करे कि हमें कितना झुकाना है और कितना संभालना है। बस जय हिंद।